तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ संजय और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक स्पेस सपोर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एचटी डिजिटल का जो ओरिजिनल डैशबोर्ड होता है उसको बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट भी किया था, इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। उसमें आपका बहुत सारे भाइयों ने ट्राई भी किया होगा, जब आप चैनल लगाते हो तो उसमें कैंसिल हो जाता है, रिव्यू में जाके कैंसिल हो जाता है, तो उसका क्या कारण है पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको एचटी डिजिटल का डैशबोर्ड बनाना सिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं आ गया अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि एचटी डिजिटल का डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने मोबाइल का गूगल ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको लैपटॉप में ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे गूगल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है एचटी डिजिटल डैशबोर्ड। देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है एचटी डिजिटल डैशबोर्ड। हमें सिंपली इसको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देगी, बट आपको यहाँ पे सेकंड ऑप जो ये सारे गमा टोन डिजिटल वाली जो वेबसाइट होगी इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे इस पर का एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लॉग इन एंड साइन अप और यहाँ पे ज्वाइन अप। तो हमें यहाँ पे ज्वाइन अप यहाँ पे यानी कि अभी आप नया क्रिएट करोगे तो यहाँ पे साइन अप या ज्वाइन इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ज्वाइन एस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस भी दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पे तीन स्टेप फॉलो करना रहता है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे फुल नेम, यूजर नेम, मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा देता हूँ। फुल नेम मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, आपको भी अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। और यहाँ पे यूजर नेम पे भी आपको इसी नाम को यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे कंट्री पे आना है और यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे स्टेट यानी कि अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो हमें यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड यानी कि जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों, पासवर्ड आपको कम से कम 8 अक्षरों में डाल देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 8 अक्षरों में नहीं डाला तो मैं यहाँ पे 8 अक्षरों में पासवर्ड डाल देता हूँ। देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ईमेल, यहाँ पे अपने ईमेल डालनी है और यहाँ पे फ़ोन नंबर, जो आपके फ़ोन नंबर इसमें लगाना चाहते हो। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे वही फ़ोन नंबर और ईमेल डालना है जो आपने पहले इसमें नहीं लगाए हो, वरना इसमें जो आप अगर दोबारा उसी को लगाओगे तो नहीं लगेगा। और आपको वह सटीक ईमेल डालनी है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप अपने यूट्यूब चैनल की लिंक डाल जीमेल डालें, यहाँ पे आप कोई से भी जीमेल डाल सकते हो, कोई से भी फ़ोन नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों का ओटीपी डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट मेरे पास अभी ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं है ऐसे जो मेरे रजिस्टर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से इस पर 2-3 अकाउंट बना रखे हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीसरे ऑप्शन का जो थर्ड नंबर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। तीन नंबर भी आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। जैसे आप आधार कार्ड लगाओगे तो आपका जो डायरेक्ट मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पे दोस्तों, जैसे आप वहाँ पे आधार कार्ड लगा के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास डायरेक्ट इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आएगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आपको यहाँ पे लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस प्रकार लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा तो मैं दिखा दूँ आपको।
दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है YouTube चैनल नेम, आपको यहाँ पे अपना YouTube चैनल का जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे YouTube चैनल लिंक डाल देनी है, जो अपने YouTube चैनल से वेरीफाई करवाना चाहते हो उसकी लिंक डालनी है। और जो थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब काउंट, यहाँ पे आपके जितने भी चैनल पे सब्सक्राइब है वो डाल देना है। और यहाँ पे वीडियो काउंट पे अपनी वीडियो डाल देनी है, यानी कि कितनी वीडियो अपलोड हो रही है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। और दोस्तों अगर किसी भाई की इस तरह का रीजन आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लीज़ अपलोड सम मोर ओरिजिनल, यानी कि आपको यहाँ पे उस पर ओरिजिनल कॉन्टेंट अपलोड करोगे तभी वो आपके वहाँ पे अप्रूवल होएगा, वरना इस तरह यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, देख सकते हो। तो आपको इस तरह यहाँ पे ये सब डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इन रिव्यू में चला जाएगा ये, तो ये जैसे यहाँ पे कंप्लीट होएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एग्रीमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक असेस यानी कि अलाउ करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देगा। उसके बाद जैसे आप अलाउ करोगे तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड बनके कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी रिव्यू में ही है, इसमें 24 से 72 घंटे लगते हैं, तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पे कंप्लीट होएगा। अगर किसी भाई के ओरिजिनल्स होंगे फिर भी रिजेक्ट हो रहा है तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको बना के डैशबोर्ड दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला था कि कैसे बनाना है, किस तरह क्रिएट करना है, क्या क्या लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।